कोई मुझे अब कह रहा था कि ब्रदर आप बहुत चमक रहे हैं, तो मैंने उन्हें एक ही बात कहा कि जब सूरज की रोशनी चांद पे गिरती है तब जाकर चांद चमकता है। उसी तरह हर वर्शिपर उसके ऊपर जब खुदा की रोशनी गिरती है तो वो चमकता है। आगाज बैंड मेरे सामने, तो उनको देखकर एक शायरी आ गई, आगाज भी तू है मसीह और अंजाम भी तू। जरा बोलिए वावा, थोड़ा और भी बेहतर। आगाज भी तू है मसीह और अंजाम भी तू, हम गुनेगारों का खुशी का पैगाम भी तू। खून तो बहुतों ने बहाया पर उद्धार किसी ने नहीं पाया। खून तो बहुतों ने बहाया पर उद्धार किसी ने नहीं पाया। जब यीशु ने खून बहाया तो सारे जहां ने उद्धार पाया, सारे जहां ने उद्धार पाया। तेरे रहमो करम ने मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने मांगा था एक छोटा सा घर पर तूने सारा जहां मेरे नाम कर दिया। कितने लोग यहां पे जवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? यस, तो एक शायरी आपके लिए, करोड़ों की शायरी में फोकड़ में बोलना चाहूंगा, कितने लोग सुनेंगे? फोकड़ बोला तो सब हाथ उठाया, मजाक कर रहा हूं। अगर यूसुफ शायर होता, आपको पता है यूसुफ की कहानी बाइबल में, पोतीपर की पत्नी उसको गुनाह करने के लिए कहती है, लेकिन आप सभी को मालूम है अगर यूसुफ शायर होता और पोतीपर की पत्नी शायरा होती तो वो आपस में क्या मुखातिब और गुप्तगू करते, जरा ध्यान से सुनिएगा। पोतीपर की पत्नी कहती है, ए हुस्न के शहजादे आ हम एक हो जाए, सबकी निगाहों पे हमने पर्दा किया है। ए हुस्न के शहजादे आ हम एक हो जाए, सबकी निगाहों पे हमने पर्दा किया है। यूसुफ कहता है, ए कमबख्त औरत जिस खुदा की नजरे चांद सूरज की रोशनी से भी तेज हो, क्या उस खुदा की निगाहों पे किसी ने पर्दा किया है। Praise the Lord. चलो आखिरी दो शायरी बोलेंगे। जुबा मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। जुबा मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। मैं तो सिर्फ होठ हिलाता हूँ, बोलता मेरा खुदा है, बोलता मेरा खुदा है। Come on, एक जोरदार ताली हो जाए। बाइबल में भजन संहिता 133 में लिखा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कितनी मनोहर और भली बात है। शायद भाई लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन बाप को जरूर अच्छा लगता है। करोड़ों की बात फोकट में कही और कंजूस लोग तू आसमां में रहता है फिर भी मेरे संग संग चलता है। तू मिलो दूर है मुझसे खुदा फिर भी मेरे दिल के करीब रहता है। तू दिखता नहीं फिर भी तेरे छूने का एहसास मुझे होता है। तू जन्नत में होता है फिर भी तेरा हाथ मेरे सर पे होता है। मैं मसीह भाइयों के लिए और सारे पास्टरों के लिए कहना चाहूंगा, जब भी मिलता हूं आपसे यूं लगता है कि बरसों से हमारा नाता है। जब भी मिलता हूं आपसे यूं लगता है कि बरसों से हमारा नाता है। आप कोई गैर नहीं, जो खुदा तुझ में है मुझ में है वही सब में नजर आता है। आखिरी लफ्ज कहना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। सारी दुनिया दवा से जीती है, हम मसीह लोग दुआ से जीते हैं। बार बार हमारे लोगों को कहना पड़ता है, अगर शाहरुख होता यहां पर, सलमान होता तो लोग ताली बजाते। जितने भी हीरो है एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और कोई गोली या टैबलेट अब तक पैदा नहीं हुई, बनी नहीं है कि एक बूढ़े को जवान बना दे। लेकिन 2017 साल हो गए, मैं 21 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, 2017 साल हो गए और बाइबल में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मेरा हीरो यीशु बूढ़ा हो गया। वो अभी भी जवान है, पहले भी 33 साल का था और आज भी 33.5 साल का है। मेरे हीरो यीशु के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला पुणे तो क्या, सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है।